नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। रूब्रिक है, ये इम्पोर्टेंट रूब्रिक है, प्रायः जैसे कि इस तरह से पेशेंट बोलते हैं और आते रहते हैं, मिलेगा ऐसा बहुत। यस, तो आर इसमें जो है से एक ही मेडिसिन है और कोई मेडिसिन इसमें ना है, तो सोच लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण रूब्रिक हो सकता है। बहुत, और कोई मेडिसिन इसमें नहीं है। जिस रूब्रिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो रूब्रिक है माइंड राइडिंग इन ए कैरेज अवर्स टू। माइंड राइडिंग इन ए कैरेज अवर्स टू। तो देखिए, इसमें सिंथेटिक रेपर्टरी है और कंप्लीट रेपर्टरी है, और सिंथेसिस में भी एक ही है, लेकिन मर्फी में जो रूब्रिक है इसमें एक दो गो दवाई और ऐड कर दिया है। इसमें काकुला सोरिनम और टैब है मेडिसिन, लेकिन बाकी रेपर्टरी जो है उनमें एकमात्र दवा है सोरिनम। राइडिंग इन ए कैरेज एवर्स टू, इसमें एक ही दवा है सोरिनम। अच्छा, केवल मर्फी रेपर्टरी में जो है से कि, और दो गो दवाई काकुलस और टैब जो है से कि टैबेकम जो है से कि ऐड कर दिया है, बाकी सब में एक ही मेडिसिन है। और इसी से एक और रूब्रिक है माइंड राइडिंग इन ए कैरेज वांट्स टू। तो इसमें भी देखिए, सिंथेसिस रेपर्टरी में एक दवा और ऐड कर दिया है क्यूपरम, बाकी जितने भी रेपर्टरी हैं उनमें एकमात्र दवा सोरिनम है। यानी दोनों ये जो रूब्रिक है, राइडिंग इन ए कैरेज एवर्स टू और राइडिंग इन ए कैरेज वांट्स टू, दोनों में एक ही दवा है सोरिनम। कुछ रेपर्टरी जो है उसमें वांट्स के जगह पर डिजायर दिया हुआ है। तो यही है, इसी रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। तो अब भाई, इसके लिए तो तनि सब इसमें जो वर्ड है, राइडिंग है, कैरेज है, एवर्स है, इसको जान लेना होगा, समझ लेना होगा। तो चलिए, अब इसको समझा जाए, जाना जाए। तो आगे बढ़ने से पहले भाई, तनि आप सबसे निवेदन होगा कि भाई तनि चैनलवा के सब सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए, ताकि और तनी और जोश से, खरोश से, उत्साह से आप लोगों के सामने आवे। तो आप लोगों के तो इसमें कुछ खर्चा पानी नहीं होता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा उत्साह होता है कि हाँ भाई, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, अब इसको समझा जाए। पहले राइड राइड को हम लोग समझें, RIDE, राइड, राइडिंग। तो राइड का मतलब क्या होता है? सवार होना, चढ़ना, चलना, तैरना, सवारी करना, ये सब इसका मतलब होता है। तो अब इसका देखिए डिक्शनरी मीनिंग है, टू सीट ऑन समथिंग सच एज ए साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक और हॉर्स एंड ट्रेवल एलोंग ऑन इट, ट्रेवल एलोंग ऑन इट, कंट्रोलिंग इट्स मूवमेंट। मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल या घोड़े की सवारी करना या चलाना, ये हो गया मतलब। और इसका जो चलाने के मतलब है, इसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, चलाना, पूरा हो गया इसको, सवारी करना या चलाना, उसके करना, ये हो गया। एक दूसरा है, टू ट्रेवल इन ए व्हीसल,
सच एज ए कार, बस और ट्रेन, गाड़ी, बस या ट्रेन आदि वाहनों की सवारी करना। ट्रेन में, बस में बैठ करके हम लोग यात्रा करते हैं, तो वो हो गया राइडिंग किए, और घोड़ा साइकिल पर चढ़ के कंट्रोल करते हुए चलाते हैं उसको भी कहते हैं हम लोग राइडिंग, साइकिल राइड जैसे किया जाता है। इफ यू से दैट समवन इज राइडिंग ऑन अनदर, यू मीन दैट द फर्स्ट थिंग डिपेंड्स ऑन द सेकेंड। कहने का मतलब है, कह रहा है कि जैसे आप कहते हैं कि कोई चीज किसी की सवारी कर रहा है, इसका मतलब है क्या है कि वह चीज जो है पहला चीज पर चढ़ा हुआ है, दूसरा चीज जो है वो पहले के पर चढ़ा हुआ है, उस पर डिपेंड है, ये है। अच्छा, और एक इसका मीनिंग है टू प्रेशर स्पेशली बाई कॉन्स्टेंट और पेटी क्रिटिसिज्म, टू प्रोसिक्यूट स्पेशली बाई कॉन्स्टेंट और पेटी क्रिटिसिज्म, माने छोटी छोटी बातों पर आलोचना करना या परेशान करना, विशेष करके लगातार, माने लगातार परेशान करना या छोटी छोटी बातों पर आलोचना करना, इसको भी राइडिंग कहा जाता है। ये सब डिक्शनरी मीनिंग है। ये सब ये हो गया, मैंने राइडिंग हो गया। अब देखिए कैरेज, कैरेज का क्या मतलब, कैरेज का हिंदी मतलब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी है, वाहन है, इसको भाड़ा भी होता है, सवारी डिब्बा होता है, हाव भाव, वार्ताव, आचरण, इस सबको भी कैरेज कहा जाता है। इतना इसका हिंदी में माने अर्थ है। अब इसका देखिए भाई डिक्शनरी मीनिंग है, एनी ऑफ द सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए ट्रेन इन व्हिच द पैसेंजर सीट्स, माने जिस पर कि सेपरेट अलग जैसे कि डिब्बा है उसी पर पैसेंजर लोग जिस पर सवार करते हैं, ट्रेन का सेपरेट जो होता है इंजन से अलग है जिसमें सवारी करते हैं, उसको कैरेज कहा जाता है। तो ये हो गया कैरेज, चलने, खड़ा होने या बैठे रहने के समय शरीर और माथा को रखने के तरीकों को भी कैरेज कहा जाता है। ऐसा डिक्शनरी मीनिंग है, कैरेज इज द वे यू होल्ड योर बॉडी एंड हेड व्हेन यू आर वॉकिंग और स्टैंडिंग और सीटिंग। ये हो गया। अब यही ध्यान रहिए कि कैरेज का मतलब वाहन, यही हम लोग समझेंगे। कैरेज वाहन एक ऐसा साधन है, कैरेज का मतलब हो गया वाहन। वाहन क्या है भाई, तो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है इच्छित जगह पर या इच्छित अवस्था में पहुंच जाता है, इच्छित जगह या स्थित अवस्था में पहुंच जाता है। अब देखिए इसको यदि अप्लाई किया जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी है, अब वो क्या है, बीमारी की अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में है, तो वो दवा लिया तो स्वास्थ्य की अवस्था में चला गया, तो दवा क्या हो गया उसके लिए, कैरेज हो गया। दवा के माध्यम से, दवा पर डिपेंड होकर करके वो स्वास्थ्य की अवस्था में चला गया, अपने गंतव्य जगह पर चला गया। इसको भाव ये है। अब देखिए इस रूब्रिक एक एक है अभर्षण, अभर्ष, अभर्ष के मतलब क्या है, माने अनिच्छा, हैविंग एन एक्टिव फीलिंग ऑफ रिपग्नेंस और डिसलाइक, माने स्ट्रोंग डिसलाइक कहिए, नापसंदगी, नापसंदगी को हम लोग एवर्सन कहेंगे। तो अब ये रूब्रिक का मतलब हुआ, रूब्रिक का शाब्दिक अर्थ हुआ कि रोगी वाहन को, वाहन की सवारी के माध्यम से, वाहन की सवारी करना नहीं चाहता है, ये हो गया अभर्षण। आए वो है, चाहता है, उसकी मजबूरी हो गया, वांट्स है तो मजबूरी हो गई है, जरूरत हो गई है, तो ये हो गया राइडिंग वांट्स टू, ये हो गया। अब एगो का इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि एगो सवारी करना नहीं चाहता है, अब एगो को सवारी करना चाहता है, यानी उसकी
वांट्स मजबूरी हो गई है, जरूरत हो गई है सवारी करना, यही हो गया। तो अब इसको यदि रोगी कैसे भाई है, तो रोगी जो है, एक रोग का मतलब हुआ कि रोगी नहीं चाहता है कि वो किसी चीज पर सवारी करे, किसी चीज पर डिपेंड हो, किसी चीज पर चढ़ करके स्वास्थ्य लाभ करे, किसी दवा के सहारे स्वास्थ्य लाभ करे या और कुछ सपोर्ट लेकर करके, सहायता लेकर के स्वास्थ्य लाभ करे, रोगी नहीं चाहता है। एक हो गया मतलब दवा वगैरह लेना नहीं चाहता है, सपोर्ट लेकर के कि हम स्वास्थ्य में जाए, आए वो है कि चाहता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान एक श्वास कष्ट का पेशेंट है, श्वास कष्ट का पेशेंट है, तो अब उसको क्या है कि बिना उसको निबुलाइजर लिए उसको आराम नहीं आता है, बहुत कष्ट होता है। अब वो हो गया बाध्य होकर करके उसको निबुलाइजर लेना ही पड़ता है, तब जाके वो उसको आराम आता है, नहीं तो बहुत श्वास कष्ट होता है। वो कहता है कि मैं निबुलाइजर लेना नहीं चाहता क्योंकि हर समय लेने से मेरी आदत हो जाएगी और जो मैं नहीं चाहता हूं। तो अब एक और देखिए वो क्या कह रहा है, लेकिन लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो श्वास कष्ट होगा, परेशानी होगी, ये उसकी वांट्स हो गई, जरूरत हो गया कि उसको लेना ही पड़ रहा है, चाह नहीं रहा है, ये अभार्सन है उसको कि नहीं लेते रहेंगे तो हमको आदत बढ़ जाएगा, लेकिन उसको लेना पड़ रहा है। तो ये है ईश्वरीनम में दोनों अवस्था होता है, हो सकता है। तो ये हो गया कि उसको निबुलाइजर लेने से जो बीमारी है उसमें उसको आराम आ रहा है, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, बीमारी की दवा निबुलाइजर के सहारे, निबुलाइजर पर चढ़ करके सवारी करके वो आराम बोध कर रहा है, ये हो गया, अच्छा अवस्था में पहुंच जा रहा है। और दूसरा हो गया कि उसको अभर्षण हो रहा है, अभर्षण हो रहा है, निबुलाइजर लेना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको आदत बन जाएगा, उसको लेते 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 हैबिट बन जाएगा, तो इसलिए वो नहीं चाहता है, उस पर डिपेंड होना, सवारी करना नहीं चाहता है, यही इसका मतलब हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।